उस मूर्ख सुग्रीव ने तनिक भी यह नहीं सोचा यदि यदि मैं ऋषभ पर्वत पर जा पाता तो क्या वो आज तक जीवित रह पाता। सभी जीवों के प्रति
संभावना देने वाले हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? आप तो धर्म की रक्षा के लिए उपित हुए हैं राम, तो आपने ये धोखे का व्यवहार क्यों किया? पुत्र वधू भगिनी सुतना सुन सख कन्या समाचारी, इन्हीं कुदो की लोगई जो ताहे बधे कछु पाप ना हो, पर जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री पुत्र वधू एवं बेटियों को दृष्टि डालता है उसे मारने में कोई पाप नहीं पाती। मैं आपके शब्दों को स्वीकार करता हूं, यदि मारना दिखा तो सामने से मारा होता। अरे मैं तो पशु हूं, पापी हूं, धर्मविहीन हूं, पर तुमने तो धर्म बेचारा होता। पर जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया तो उसे तोड़ना भी तो बुरा है। सामने से असर तो वो दान नहीं पाषाण का, इसके पीछे झुककर वार किया है तुम पर बाण का। प्रभु आने वाली पीढ़िया सदा के लिए आपसे ये प्रश्न पूछती रहेगी, राम तुमने पानी को छिप कर क्यों मारा? लेकिन प्रभु मुझे अब कोई संदेह नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। प्रभु जो तीनों लोगों के सृष्टि पालन तथा संहार के लिए केवल अपनी संकल्प शक्ति से सारा कार्य कर सकते हैं, वो किसी वरदान की शक्ति से इस तुच्छ वाणी से फलित तो नहीं हो सकते। अवश्य ही आपने अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन का मान रखने के लिए स्वयं पर ये लाछन स्वीकार किया है। आपसे अधिक भक्त वत्सल उदार दयालु कौन हो सकता है? और मैं दुष्ट इस देश के कारण मैंने अपने पुत्र समान छोटे भाई सुग्रीव के साथ सराह बैठ गया। भाई मुझे क्षमा करना, मैंने अनेक बार किए फिर भी कि आपकी अहतों की कृपा है कि आप इस दास का उद्धार करने के लिए मेरे प्रस्तुत हुए। मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए प्रभु। अब मृत्यु के समय तुम्हारा मैं पवित्र हो रहा हूं, यदि कोई और इच्छा है तो करो। इस प्रकार से आपने इस पापी का उठा लिया, इस पापी को अपने शरीर में स्वीकार किया। आपसे दयालु इस संसार में कोई नहीं हो सकता। मेरी एक बात मिलती है कि दोनों रात मेरे इस पुत्र अंगद को भी अपनी सेवा में अपने दास के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं तो जीते जी आपकी सेवा न कर पाया, कृपा कर मेरे इस पुत्र को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए। ठीक